फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एस ग्रेट आइडिया। और आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ हिमालय प्योरीफाई नीम फेस वॉश का एंड पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फो जो फेस वॉश आता है विटामिन बी पी थ्री वाला उसका। तो दोनों ही फेस वॉश में से कौन सा आपकी स्किन को ब्राइट करता है, कौन सा पिंपल फ्री बनाता है, क्लियर बनाता है आपकी स्किन को, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने। दोनों के बारे में मैं आपको ज़रूर डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमालय प्योरीफाई नीम फेस वॉश की प्राइस है एंड इसकी क्वांटिटी और इसकी वर्क करने के बारे में। तो इसकी प्राइस है 79 में आपको 50 ml ये जो है फेस वॉश मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी इसकी जो है क्वांटिटी है, 79 रुपये में 50 ml आपको ये जो है फेस वॉश मिल जाता है। और बात करें इसकी जो है शेल्फ़ लाइफ की, तो लगभग 3 साल तक आपका जो है फेस वॉश आराम से चल जाता है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जो है सोप फ्री ये फेस वॉश है, पैराबिन फ्री है और नीम प्लस टर्मरिक इसमें ऐड किया हुआ है। और स्पेशली पिंपल्स पर ये जो है फेस वॉश आपका वर्क करता है, पिंपल्स फ्री एंड क्लियर आपकी स्किन को बनाता है ये फेस वॉश। 100% हर्बल और 30 टेस्टेड के साथ आपको ये मिलता है फेस वॉश। और सोप फ्री फेस वॉश है, आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस रखता है एंड जेल फॉर्म में आपको ये जो है फेस वॉश मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। और अगर आप इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग ख़रीदते हैं तो इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग लगभग 160 रुपये में आपको मिल जाती है और उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है, शायद 120 ml जो है उसकी क्वांटिटी आती है। तो काफ़ी ज़्यादा वो अगर आप बड़ी वाली पैकेजिंग ख़रीदते हैं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट होता है और वो आपका जो फेस वॉश है लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। एंड इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी ट्यूब पैकेजिंग, कहीं से भी आप उसको फोल्ड करो कैसे भी करो कोई भी इसमें लीकेज वगैरह की दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही टाइट आपको इसका कैप मिल जाता है। और कुछ ग्रीन जो है कलर का, हल्का सा ग्रीन कलर का आपको इसमें फेस वॉश मिल जाता है, जो कि ग्रीन इसका इतना ज़्यादा कलर नहीं है, बहुत ही माइल्ड सा इसमें ग्रीन कलर। उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी जेल फॉर्म में आपको ये जो है फेस वॉश मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश के बारे में कि ये फेस वॉश कैसा है, आपकी स्किन पर कैसा वर्क करता है। तो ये है पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी का विटामिन B3 फेस वॉश और ये क्लिनिकली प्रूवर है ब्राइटनेस के लिए। तो ये वाला फेस वॉश जो आपको पिंपल्स के लिए स्पेशली जो है डिज़ाइन किया गया है और ये वाला जो फेस वॉश है आपको ब्राइटनेस के लिए ज़्यादातर आपको जो प्रोवाइड किया जाता है। एंड इधर बैक साइड में भी इसकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की हुई है कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। और ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है एंड ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बताया जाता है, 100% आयुर्वेदिक बताया जाता है और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बताया जाता है। और पैकेजिंग आप देख सकते हो, दोनों की पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, कहीं से भी कोई लीकेज वगैरह की दिक्कत नहीं होती, कोई भी ट्यूब वगैरह टूटने की दिक्कत नहीं होती है, आप कैसे भी इसको फोल्ड करके देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी टू कैरी हैं दोनों ही जो ट्यूब हैं दोनों ही फेस वॉशेस की, किसी भी तरीके से आप ट्रेवल में इनको लेकर जा सकते हो। और इसका भी कैप जो है बहुत ही अच्छा है, कैप बिल्कुल भी लीकेज नहीं होती है। और देख सकते हो आप ब्राइट कलर का इसमें क्रीम बेस आपको जो है फेस वॉश मिल जाता है। तो ये हिमालय वाला फेस वॉश जो है ये जो है जेल फॉर्म में है फेस वॉश और जो पॉन्ड्स वाला फेस वॉश है आपको इस तरीके की क्रीम बेस फेस वॉश मिल जाता है। तो जिन लोगों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो वो लोग जो है इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं और जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो लोग इस फेस वॉश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जिनकी ऑयली और सेंसिटिव स्किन होती है उन लोगों को जेल फेस वॉश ही यूज़ करने चाहिए। और बाकी कोई भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है कि किसी को पर्सनल यही फेस वॉश यूज़ करना है या फिर यही फेस वॉश यूज़ करना है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप एक बार जो भी फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं उसको अपनी स्किन पर आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको फेस वॉश जो आपकी स्किन पर सूट होता है तो आप उसको रीअप्लाई करें, वरना आपकी स्किन पर अगर किसी भी फेस वॉश से पिंपल्स बढ़ रहे हैं या फिर कोई ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फेस वॉश को तुरंत स्टॉप कर दें और अपने फेस वॉश को आप चेंज कर सकते हैं। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसकी प्राइस है 82 रुपये में आपको 50 ग्राम मिल जाता है ये फेस वॉश और ये आपको मिल जाता है 79 रुपये में आपको 50 ग्राम मिल जाता है। तो लगभग 2-3 रुपये का दोनों के अंदर जो है अंतर है फेस वॉश के अंदर और क्वांटिटी दोनों की सेम है। तो अब बात करते हैं लास्ट की, कौन सी स्किन के लिए कौन सा जो फेस वॉश है वो शूट करेगा और किस किस को अप्लाई करना चाहिए। तो और ये वाला जो फेस वॉश है जो ब्राइटनेस के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो क्या ये सच में ब्राइटनेस करता है आपकी स्किन पर? जी हाँ, ये बिल्कुल भी, अगर आप रेगुलरली आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर हल्की सी ब्राइटनेस जो है आपकी स्किन पर बनी होती है, हल्की सी आपकी जो स्किन है उसका एक टोन जो है कलर जो फेयर होता है अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। इसकी जो पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी की फेस जो क्रीम आती है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा जो है ड्राई स्किन होती है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है नॉर्मल टू ड्राई, तो मेरी स्किन को ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। इमीजिएटली अगर मैं इसको लगाती हूँ तो इंस्टेंटली मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और बाद में आपकी स्किन लगभग आधे घंटे के बाद नॉर्मल टेक्स्चर पर आ जाती है। लेकिन जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, उन लोगों के लिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है। बाकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को सजेस्ट उल्टा करते हैं कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनको जो है जेल फॉर्म वाले फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। लेकिन अगर आपको मतलब इंस्टेंटली आपकी स्किन से क्लियर करनी है, आपकी स्किन ऑयल जो आपको रिमूव करना है बहुत अच्छे से, तो आप ये वाले फेस वॉशेज यूज़ कर सकते हैं। वरना मुझे ये फेस वॉश इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा तुरंत से ये ड्राई कर देते हैं। तो अब बात करते हैं हिमालया की जो प्योरीफाई नीम फेस वॉश के बारे में, कि ये आपकी स्किन पर कैसा वर्क करता है। तो मुझे ये पर्सनली फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपकी पिंपल्स पर भी वर्क करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, रात को सोने से पहले अपने फेस को वॉश करते हैं, और सुबह और दोपहर को आप इसको 2-3 बार अपने फेस को इससे वॉश करते हैं, तो आपकी जो स्किन है बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्मूथ आपकी जो स्किन हो जाती है, बिल्कुल भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, और जो आपके पिंपल्स हैं धीरे धीरे आपकी स्किन से कम होने लग जाते हैं आपके पिंपल्स, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को, बहुत सॉफ्ट स्मूथ एंड सपल बनाता है आपकी स्किन को, और बहुत ही जेंटली आपकी स्किन को जो है क्लीन करता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपकी स्किन को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड फेस वॉश कोई यूज़ किया है। प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों की लगभग सेम ही है। तो आपको कौन सा फेस वॉश अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोनों ही फेस वॉशेस की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।